आखिर में कारोबारी के इल्जाम में मियां बीवी समेत तीन अफराद कत्ल, मरने वालों में सादिक गुडानी बीवी और रिश्तेदार खातून शामिल। नटखट अदाओं और चमकती आंखों वाली भारतीय अदाकारा श्रीदेवी चल बसीं। भारतीय अदाकारा को दुबई में दिल का दौरा पड़ा, बॉलीवुड में शोक, मुंबई में घर पर पुरस्कारों का तांता बन गया। सोशल मीडिया पर भी अदाकारों और पुरस्कारों के ताजी थी पैगाम। श्रीदेवी की उम्र 55 बरस थी। 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। चार्ली चैपलिन की नकल हो या नागिन का रूप, बीवी, माँ या बेटी, श्रीदेवी ने हर किरदार ऐसा निभाया कि अमर हो गया। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त, क्वेटा ग्लेडिएटर्स 9 विकेटों से जीत गई। मुल्तान सुल्तान्स आज अपना तीसरा मैच साबिक चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेगी। कराची किंग्स और पिशावर जलमी में भी मुकाबला होगा। पीएसएल में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त, क्वेटा ग्लेडिएटर आहा चीमा की शानदारी पर पकड़े जाने वाले शाहिद शफी को आज रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। नैब ने आहा चीमा के तमाम मेगा प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड मांग लिया। नकीबुल्ला महसूद के दोस्त को भी कत्ल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। मकतूल आफ्ताब महसूद इस्लामाबाद धरने का इंतहाई फाल रुकन था। तहरीक इंसाफ ने सेनेट के एक वोट के लिए वालिद के कातिल से डील कर ली। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बलदेव कुमार के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर सरदार सोरन सिंह के बेटे का इल्जाम। और शाम के शहर गौता में शामी और रूसी फौज की बमबारी से हलाकतों की तादाद 500 से बढ़ गई। अकवामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। रूस का भी करारदाद की हिमायत में वोट। ट्वेंटी फोर न्यूज बाखबर 24 घंटे।